सभी भाइयों को नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप? मैं हूं राजेश शर्मा और आप सभी को सबसे पहले नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन मंगल में हो दोस्तों। अतिथि शिक्षकों की वीडियो, शिक्षक भर्ती से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड होती हैं और आज मैं आपको बताना चाहता हूं जो कि अपडेट है। और 2022 खत्म, 2023 आज से चालू हो चुका है और नव वर्ष पर हमारे लिए बहुत सी उम्मीदें हैं। क्या अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण होगा 2023 में? 2023 दोस्तों ये नव वर्ष है और हम इसकी शुरुआत कुछ अच्छे से करें, लेकिन हम सभी को उम्मीद है। लेकिन कुछ अतिथि शिक्षक भाइयों का कहना है कि सर कब होगा नियमितीकरण? तो भाइयों होगा नियमितीकरण, भले ही नोटिफिकेशन वर्ग दो का आ जाए या वर्ग एक का आ जाए, लेकिन अतिथि शिक्षकों का भी कुछ होगा। क्योंकि जो 25% आरक्षण मिला है इसमें अतिथि शिक्षकों का कुछ लाभ, इसमें ज़्यादा कुछ बेनिफिट कुछ लाभ नहीं हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाईएस्ट जो नंबर हैं अतिथि शिक्षक कोटा के भी, वो भी 110 के समथिंग रहा है दोस्तों। और आप इस टैलेंटेड की जानकारी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले वर्ष जो शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई थी, यानी इससे पहले जो शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई थी 2018 के बाद में, तो जो अतिथि शिक्षक या जो शिक्षक बनना चाहते थे जो अभ्यर्थी दोस्तों, जिनके 75 नंबर ओबीसी और जो जनरल वाले 90 नंबर हैं, दोनों का सिलेक्शन पासिंग मार्क्स में ही हो गया था। लेकिन अब की बार जनसंख्या में भी वृद्धि हुई है दोस्तों और बेरोजगारी का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं। लेकिन यहां पर जो अतिथि शिक्षकों ने मांग की है इसको आप पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रतीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन भोपाल द्वारा, माननीय राज्यसभा सांसद महोदय भारत सरकार नई दिल्ली, विषय है शासकीय स्कूलों में कार्यरत अनुभवी योग्यताधारी अतिथि शिक्षकों को हरियाणा उत्तराखंड राज्यों की भांति नियमितीकरण कराए जाने व मानदेय वृद्धि कराए जाने बाबत मान्यवर। मध्य प्रदेश के शासकीय स्कूलों में विगत 14 वर्षों से रिक्त पदों के विरुद्ध कम अल्प मानदेय पर कार्यरत अनुभवी योग्यताधारी अतिथि शिक्षक कार्य कर रहे। हमारी योग्यता नियमित शिक्षकों के समान ही है। अतिथि शिक्षकों की बदौलत स्कूलों का परीक्षा परिणाम भी बेहतर आ रहा है। पूर्व में गुरुजियों एवं अनुदान प्राप्त विद्यालयों के अल्प मानदेय पाने वाले शिक्षकों का नियमितीकरण किया भी गया है। मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों की नियमितीकरण को लेकर लंबित मांग है, जिस पर अभी तक मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है। सत्र समाप्त होते ही या नियमित शिक्षक आ जाने पर अतिथि शिक्षकों को निकाल कर बाहर कर दिया जाता है, जिससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए जो वर्तमान में कार्यरत अतिथि शिक्षक हैं उन्हें कार्य से कभी निकाला ना जाए। देश के कई राज्यों में हरियाणा, उत्तराखंड, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम एवं अन्य राज्यों के स्कूलों में अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण भी किया गया है। अस्तु श्रीमान जी से निवेदन है कि अन्य राज्य हरियाणा, उत्तराखंड आदि की भांति मध्य प्रदेश के शासकीय स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण एवं मानदेय वृद्धि कराए जाने की कृपा करें, ताकि हम अतिथि शिक्षकों का भविष्य भी सुरक्षित हो सके। निदेशक हैं मध्य प्रदेश अतिथि संघर्ष समिति इकाई सीधी मध्य प्रदेश। यहाँ पर कुछ अतिथि शिक्षकों के यहाँ पर आप सिग्नेचर देख सकते हैं और गिजवार दिनांक 31/12/2022 कल की अपडेट है दोस्तों, कल की जो ऑफिशियल लेटर है। और माननीय राज्यसभा, यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन भोपाल द्वारा, माननीय राज्यसभा सांसद महोदय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा यहाँ पर ये मांग की गई है दोस्तों। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे ही अतिथि शिक्षकों का शोषण तो हो ही रहा है, लेकिन अतिथि शिक्षकों का भी कुछ ना कुछ होगा, ये तो बिल्कुल 100% सत्य है दोस्तों। ऐसा नहीं हो सकता कि अतिथि शिक्षक 14 वर्षों से काम करते रहे और उनका कुछ ना हो, लेकिन इस बार उनके लिए कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। जैसे कि शिक्षक भर्ती में नियम चेंज हो चुके हैं, दो परीक्षाएँ पास करना होगा अब, और अब आप देख सकते हैं कि कितना टैलेंट रखना होगा शिक्षक बनने के लिए दोस्तों। और पहले मात्र पीबी जो थी, अब उसका नाम चेंज कर दिया, कर्मचारी चयन मंडल हो गया है। तो दोस्तों पहले परीक्षा पास करने के बाद ही ढूंढते थे कि शिक्षक बनने के लिए, लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और कंपटीशन और बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ता ही चला जा रहा है दोस्तों।
आने वाले समय में बहुत मुश्किल हो जाएगा शिक्षक बनना, क्योंकि अभी जो नोटिफिकेशन निकल रहे हैं मेरे भाइयों, ये इनमें दो दो परीक्षाएं मतलब तय हैं, और उन्होंने यह भी बताया है कि समय समय पर नियम भी चेंज होते रहेंगे, तो इसको लेकर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। मिलते हैं को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। एक बार फिर आप सभी को राजेश गुरुजी चैनल की ओर से आप सभी भाइयों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। आप सभी को जय श्री राम।